देखिए फ्रेंड, अब जो है हमारा लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था, आई होप आपने वो किया होगा। क्वेश्चन ये था कि आपके पास जो एक्स है वो ए कोमा बी कोमा सी है, और आपको ये बताना है इसके पास जो है 2 नंबर की कितनी टोपोलॉजी बनाई जा सकती है, 3 नंबर की कितनी, 4 नंबर की कितनी टोपोलॉजी, 5 की, 6 की, 7 की, लाइक दिस। क्वेश्चन कहता है लिस्ट ऑल द टोपोलॉजी ऑन द सेट ऑफ द 3 एलिमेंट ए कोमा बी कोमा सी, इज देयर एनी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स दैट इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। अच्छा, एक पिछले जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसके अंदर टी की डेफिनेशन में एक छोटी गलती की थी। अब मैंने आपको ये बोला था टी इज द सबसेट ऑफ एक्स, जो टी है वो सबसेट एक्स का, ये रॉन्ग है। टी सबसेट नहीं है, टी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल, टी क्या है, पॉसिबल सबसेट जो आप लोगे एक्स के उनकी कलेक्शन है। क्या है टी हमारे पास, टी पॉसिबल सबसेट की जो कलेक्शन है एक्स, यानी कि टी क्या है, कलेक्शन है किस चीज की, जितने आप इस के पॉसिबल सबसेट बना सकते हो उन सब की कलेक्शन क्या है, टी है। ओके, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टोपोलॉजी मुझे 2 मेंबर की बनानी है, कितनी मेंबर की, 2 मेंबर की, इसका नाम मैंने रख दिया T1। T1 2 मेंबर की टोपोलॉजी मैं बनाने जा रहा हूं जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट मुझे डालने होंगे, फाइ और एक्स, दैट इज द टोपोलॉजी ऑफ 2 मेंबर। तो इसका मतलब 2 नंबर, 2 मेंबरों की टोपोलॉजी, सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ये है। अब देखते हैं जहां 3 मेंबर हो कितनी टोपोलॉजी बनाई जा सकती है, T2 बनाते हैं, फाइ और एक्स तो लेना ही है, एक मेंबर मैंने डाल दिया ए T2, फाइ एक्स फिर मैंने डाल दिया बी, फाई एक्स फिर मैंने डाल दिया सी, 3 T4 फाई एक्स मैंने डाल दिया ए कोमा बी, T5 फाई एक्स ए बी हो गया, बी सी हो गया, T6 T6 में करेंगे तो फाई एक्स ए सी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 3 मेंबर लेके अगर आपको टोपोलॉजी बनानी है तो ये 6 टोपोलॉजी बनाई जा सकती है। क्या, जब एक्स हमारा ए कोमा बी कोमा सी है और आपको 3 मेंबर लेके टोपोलॉजी बनानी है तो आप कितनी टोपोलॉजी बना सकते हो, 6 टोपोलॉजी, 1 2 3 4 5 6। ओके, 4 मेंबर की आपको बना लेनी है। जब आप 4 मेंबर लेके बनाओगे, कितने मेंबर लेके बनाओगे, 4 मेंबर लेके टोपोलॉजी बनाओगे तो वो आपकी 9 बनेगी। कितनी बनेगी, 2 मेंबर लेके जब आपने बनाई 2 मेंबर की वो 1 है, 3 मेंबर के लिए वो आपकी 6 आई है, 4 मेंबर की जब आप बनाओगे वो आपकी 9 आएगी, और जब आप 5 मेंबर लेके बनाओगे ये आपकी 6 आएगी, 6 मेंबर लेके बनाओगे जब आपकी ये भी 6 आएगी, 8 मेंबर लेके बनाओगे ये आपकी 1 आएगी। टोटल कितनी हो गई ये, 10 और 18, अरे 29 टोपोलॉजी बनाई जा सकती है टोटल। ओके, कहता है इसका आंसर देखिए, इज देयर एनी, क्या कोई ऐसी टोपोलॉजी है, क्या इज देयर एनी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, क्या ऐसा कोई सबसेट एक्स का कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स दैट इज नॉट ए टोपोलॉजी, क्या ऐसा कोई सबसेट है जो टोपोलॉजी ना बने। हम कहेंगे यस, 7 मेंबर उठा लो इसके, कितने मेंबर पिक कर लो, 7 मेंबर पिक करके जब आप टोपोलॉजी बनाने की कोशिश करोगे तो यहां पर 7 मेंबर की टोपोलॉजी बनेगी नहीं। क्या होगा, 7 मेंबर की टोपोलॉजी हम नहीं बना पाएंगे। ओके, इसलिए हम ये बोल देंगे कि इसकी 7 मेंबर की टोपोलॉजी बनाना पॉसिबल नहीं। अच्छा, ये आपको बना लेना है क्या, कि 4 मेंबर की 9 बनेगी वो कौन कौन सी है, 5 मेंबर की 6 बनेगी, 6 मेंबर की भी 6 टोपोलॉजी बनेंगी, और 8 मेंबर की 1, और 9 7 मेंबर की 1 भी नहीं बनेगी। आपको सर टेक्निक इसकी कोई ट्रिक है, मैं कहूँगा कोई ट्रिक नहीं है, निकालनी होगी ये। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, आइए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये 3 मेंबर था,
अब की बार जो एक्स है उसके पास टू मेंबर है ए कोमा बी, और दो मेंबर लेके टोटल कितनी टोपोलॉजी बनाई जा सकती है ये आपको करके दिखाना है। क्या टोटल कितनी है, टू मेंबर, इसकी टोटल कितनी टोपोलॉजी बनाई जा सकती है। ओके अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ जी ये नोट आपके पास असाइनमेंट तो होंगे। हाँ जी एक समझते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन फोर्थ तो मैं करवा चुका हूँ, क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको ये कहता है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन जो है हमें ये कहता है कि लेट एक्स बी एनी सेट एक्स कोई सेट है ठीक है, और टी एक टोपोलॉजी, टी एक सब टी क्या है, कलेक्शन ऑफ सब सेट ऑफ एक्स जिसके अंदर मैंने फाई लिया है, ए लिया है, बी लिया है और एक्स लिया है, ये मैंने डाल दिया। ए और बी के बारे में, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी डिस्टिंक्ट प्रॉपर सबसेट ऑफ, ए क्या है नॉट इक्वल टू फाई, बी भी क्या है नॉट इक्वल टू फाई, ए क्या है सबसेट एक्स का, बी भी क्या है सबसेट एक्स का, वो भी कैसा प्रॉपर, प्रॉपर मतलब पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेंड है, ये है हमारे पास और डिस्टिंक्ट है, मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ किया जाए तो ये फाई है। ये आपको गिवन है, आपको ये बताना है कि क्या है ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी डिस्टिंक्ट प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। अच्छा सेम नहीं है, डिसजॉइंट नहीं बोला इन्होंने, डिस्टिंक्ट बोला है, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी, ये है। कहता व्हाट इज द कंडीशन इन ए एंड बी, ए और बी की क्या कंडीशन मैं दूं कि ये टोपोलॉजी बन जाए, क्या व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट दैट इज द टोपोलॉजी, क्या बन जाए ये हमारी टोपोलॉजी बन जाए, क्या कंडीशन हम दें, किसकी कंडीशन देनी है मुझे ए और बी की, क्या कंडीशन हम दें कि ये क्या बन जाए हमारे देखिए। केस नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये चीज तो फाई और एक्स इसके पास तो है, मुझे जो प्रॉब्लम है वो है दो चीजें यहां प्रूव करके दिखानी है। पहली चीज तो मुझे ये प्रूव करके दिखाना है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टी इज अगेन इन टी, और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टी इज अगेन इन टी। केस नंबर फर्स्ट ये है कि ए और बी आपस में इक्वल तो है नहीं, कि ए और इंटरसेक्शन जो बी है वो करने पे कितना आता हो फाई, ए इंटरसेक्शन बी करे तो हमारा क्या आना चाहिए फाई, इंटरसेक्शन करे तो ये आए, एंड ए यूनियन बी करे तो कितना आना चाहिए एक्स। अगर ऐसा हो जाए कि इंटरसेक्शन करे इनका तो फाई आ जाए और यूनियन करें इनका तो एक्स आ जाए, तो ये अपने आप में एक टोपोलॉजी फॉर्म कर जाएगा, क्या कर जाएगा ये अपने आप में एक टोपोलॉजी की फॉर्मेशन कर जाएगा। क्यों, अगर ये एक्स नहीं आया ए यूनियन बी, अगर आपका क्या नहीं आया एक्स नहीं आया, तो इसका मतलब क्या कोई और सबसेट आएगा, वो तो इसके पास नहीं होगा इसलिए टोपोलॉजी नहीं बनेगा। जैसे सपोज करो ये फाई है, ये ए बी है, अच्छा ये बी सी है, ये ए बी सी डी है, ये है। जैसे मान लो अब ये इनका इंटरसेक्शन फाई ना आए, अब इनका यूनियन करो ए बी और बी सी का यूनियन करेंगे तो ए बी सी आएगा, ए बी सी तो इसके पास नहीं है इसलिए क्या है मजबूरी है ए इंटरसेक्शन बी फाई आता हो, और ए यूनियन बी करे तो वापस आपका एक्स आ जाए ताकि इसके अंदर हो। अगर ऐसा हो जाए तब ये हमारा टोपोलॉजी फॉर्म करेगा। ये तो केस नंबर फर्स्ट कि इंटरसेक्शन करे तो फाई आए, यूनियन करे तो एक्स आए, ये हमारा क्या फॉर्म करेगा टोपोलॉजी फॉर्म करेगा। केस नंबर सेकंड, मान लो इंटरसेक्शन फाई ना बोल के आप ए इंटरसेक्शन बी जो है वो या तो ए बोल दो और लगा के ए इंटरसेक्शन
बी, आप बी बोल दो, यानी कि इनका इंटरसेक्शन या तो ए आए या फिर इनका इंटरसेक्शन बी आए। आपको कुछ सर इससे फायदा क्या होगा? मैं कहूंगा अगर देखिए ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए आ गया इसका मतलब मेरे को बी जो है वो तो कंटेंड है प्रॉपर ए के अंदर। नहीं ये तो नहीं बोल सकते। हाँ कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी अगर ए आ गया तो हम क्या बोल देंगे? इंटरसेक्शन होता कॉमन, मतलब ए जो है वो फिर कंटेंड हो जाएगा बी के अंदर। अगर ए कंटेंड है बी के अंदर तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि ए यूनियन बी करेंगे तो वापस बी आएगा। क्या ए इंटरसेक्शन बी किया और आपका ए आ गया, दैट मीन्स ए जो है वो कंटेनमेंट करेगा बी में, और ये है तो ए यूनियन बी करेंगे तो बी आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा क्या कि अगर ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए आता है तो ए तो इसके पास है, यानी कि आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ यूनियन ऑफ टी इज अगेन इन टी। क्यों? जब ए यूनियन बी करोगे आप तब क्या आएगा? वापस बी। अगर ये होता तो यहाँ ए यूनियन बी करने पे ए आ जाता। यानी कि दो पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये इंटरसेक्शन फाई आता हो और ए यूनियन बी करे तो एक्स आए, तब ये इसके अंदर ये एक टोपोलॉजी फॉर्म करेगा। या दूसरा केस ये है ए इंटरसेक्शन बी करे ए आए, या फिर ए इंटरसेक्शन बी करे तो बी आए, ए इंटरसेक्शन बी ए आ जाए या ए इंटरसेक्शन बी आ जाए तब भी ये आपका एक टोपोलॉजी फॉर्म करेगा, टोपोलॉजी बनाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट पे आइए अब। क्वेश्चन नंबर एट पे मैं आ जाता हूँ, एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। नाम से ही क्लियर है, कई बार ये पेपर में डायरेक्ट इसी नाम से आ जाती है। समझते हैं क्या नाम है ये? क्या है ये टोपोलॉजी? एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। नाम से ही क्लियर है, कोई पॉइंट जो है एक्सक्लूड किया गया, बाहर निकाला गया है। क्या है? लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। एक्स हमारा क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। टी कंसिस्ट ऑफ, टी के पास क्या है? टी कंसिस्ट, ठीक है क्या बोले हुआ है? टी कंसिस्ट ऑफ एक्स ऑफ एक्स, ओके। फिर कहता है एंड ऑल दोज, एंड ऑल दोज सबसेट ऑफ एक्स विच डू नॉट कंटेन, कंटेन ए पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया कोई एक्स नॉट ऑफ एक्स। ये है, कहता प्रूव करके दिखाओ, दैट इज द टोपोलॉजी। समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कहा गया है मान लो एक्स ये दे दिया जाए, एक्स मान लो ए कोमा बी कोमा सी है, आप इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पिक कर लो। आपने इसका पर्टिकुलर पॉइंट पिक कर लिया ए, आपने एक टोपोलॉजी बनाई और उस टोपोलॉजी के अंदर वो सारे के सारे, पहली बात तो एक्स डाल दिया, और वो सारे के सारे सबसेट डाल दो जिसके अंदर एक्स ए ना हो, एक्स तो लेना ही है, इसके अलावा क्या डाल दो? वो सारे के सारे सबसेट डाल दो जिसके अंदर ए ना हो। जैसे पहले मैंने डाल दिया फाई, मैंने डाल दिया बी, मैंने डाल दिया सी, मैंने डाल दिया बी सी, ये मैंने एक टोपोलॉजी बना दी।
और ये टोपोलॉजी की खासियत क्या है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ एक्स, तो है ही कंसिस्ट ऑफ एक्स, एक्स तो लेना ही होगा, एंड ऑल दोज सबसेट ऑफ एक्स, और एक्स के वो सभी के सभी सबसेट है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, कौन है वो पर्टिकुलर पॉइंट, ए, उसको नहीं रखता, तो कहता प्रूव करो ये टोपोलॉजी है। फिर बता रहा हूं एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है। एक्सक्लूडेड पॉइंट का मतलब ये होता है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के बाकी के सभी मेंबर ले लो। जैसे मेरे पास एक्स क्या था, ए कोमा बी कोमा सी था, और मैंने इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया ए, इस ए पॉइंट को छोड़ के एक्स तो लेना ही है, और वो सारे के सारे सबसेट, पॉसिबल सबसेट बनाए मैंने जिसके पास ए ना हो, जैसे फाइव ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया या बी सी ले लिया। आप कहोगे सर आपने ए ही को क्यों एक्सक्लूड किया, बाहर निकाला, आप बी को भी तो कर सकते थे। मैं कहूंगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कर लो, ए का कोई लेना देना नहीं है कि आप ए ही करो, ए करो बी करो या सी करो या ए बी करो या बी सी करो, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा लो। अगर उसको उसको क्या करते हो, टी कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड ऑल दोज सबसेट ऑफ एक्स विच डू नॉट कंटेन एक्स नॉट ऑफ एक्स इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, वो क्या बनेगा, हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा। प्रूफ करते इस बात का। सबसे पहली बात तो ये, सामने वाले ने बोला है टी कंसिस्ट ऑफ एक्स, टी के पास एक्स है, चार प्रॉपर्टी मुझे यहां सो करके दिखानी है आपको। देखिए सबसे पहली बात तो इन्होंने गिवन ही बोल दिया टी कंसिस्ट ऑफ एक्स, टी के पास जो है वो एक्स तो है ही, यानी कि जो एक्स है वो बिलोंग करता है टी में, पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई। सेकंड के लिए देखिए कौन सा पॉइंट है ये, एक्स नोट, क्लियरली एक्स नोट तो कोई एलिमेंट है, ये तो आपका बिलोंग कर ही नहीं सकता, किसके अंदर, फाई के अंदर, डजेंट बिलोंग इन फाई, यानी कि ये कंटेन, ये जो है कंटेंट नहीं करेगा किसके अंदर, फाई के अंदर, ये एलिमेंट कहां बिलोंग नहीं करेगा, फाई के अंदर। और टी में क्या है, वो सभी एलिमेंट की कलेक्शन है जिसके पास एक्स नोट ना हो, और ये जो फाई है इसके पास तो एक्स नोट पॉइंट नहीं है, नहीं है, इसका मतलब हम ये बोल देंगे कि जो फाई है दैट ऑल्सो बिलोंग इन टी, ये भी कहां जाएगा, टी के अंदर जाएगा। आप कहोगे सर क्यों जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, इसके पास एक्स नोट पॉइंट नहीं है। ओके अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करने वाला हूं, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टी इज अगेन इन टी। मैंने क्या किया, लेट कराया जी लैम्डा बिलोंग करता है टी, फॉर ईच लैम्डा, ये है। अच्छा जी लैम्डा कहां बिलोंग करता है, टी में, और टी में जाने के लिए तो एक बात तो कंफर्म है। आप कहोगे सर क्या बात कंफर्म है, मैं कहूंगा कि जो जी लैम्डा वन है ना उसके पास एक्स नॉट पॉइंट नहीं है, जी लैम्डा टू है उसके पास भी एक्स नॉट पॉइंट नहीं है, या जी आई कर दो, फॉर ईच आई बिलोंग टू एन, या फॉर ईच आई, ये है। मतलब जो एक्स नॉट पॉइंट है ना वो किस कहां बिलोंग नहीं करता, जी वन में नहीं है, एक्स नॉट पॉइंट कहां नहीं है, जी टू में नहीं है, एक्स नॉट पॉइंट जी थ्री में नहीं है, अप टू शून्य किसी भी के अंदर, मतलब ये जो जी आई मैंने लिया है इसमें किसी के पास भी एक्स नॉट पॉइंट नहीं है। आप कहोगे सर आप इस बात की क्या गारंटी लेते हो कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके पास एक्स नॉट हो, मैं कहूंगा एक बात बताओ कॉमन सेंस है ना आपके पास, आप कहोगे यस सर है, मैं कहूंगा ये बताओ मैंने ये क्या लिया है, जी आई क्या है, बिलोंग करता है टी में, और टी के पास क्या है, कलेक्शन है, किसकी कलेक्शन है, वो सभी के सभी पॉइंट जो एक्स नोट को अपने अंदर कंटेंट ना करते हो, ध्यान से सुनो, ऑल दोज सबसेट ऑफ एक्स विच डू नॉट कंटेन एक्स नोट, मतलब टी, अगर ये टी के अंदर गया है दैट मीन्स क्या होगा कि ये ईच जी वन है इसके पास भी एक्स नोट नहीं है, जी टू है इसके पास भी एक्स नोट नहीं है, जी थ्री है इसके पास भी एक्स नोट नहीं है, मतलब ये है जितने के ये सभी के सभी मेंबर है इनमें से किसी के पास भी एक्स नोट नहीं है। एक कॉमन सेंस लगा के मुझे ये बताइए, जब इसके पास एक्स नोट नहीं है, इसके पास एक्स नोट नहीं है, इसके पास एक्स नोट नहीं है, तो इन टोटल के पास क्या एक्स नोट आ जाएगा, इनका यूनियन करूंगा मैं, मतलब ये अगर मैंने जी वन
यूनियन जी टू यूनियन जी थ्री अप टू सून, मतलब यू आई बिलोंग टू लैम्डा कर दूं और जी लैम्डा कर दूं, तो मैं ये कहूंगा ये एक्स नोट जो है इसके अंदर कंटेंड नहीं करेगा, और कंटेंड नहीं करेगा तो इसका मतलब इनका जो यूनियन है वो कहां बिलोंग कर जाएगा, टी के अंदर। क्यों? टी के अंदर सिर्फ वही मेंबर जा सकता है जो एक्स नोट पॉइंट को अपने अंदर कंटेंड नहीं करता। और तीसरी प्रॉपर्टी मुझे क्या प्रूफ करनी थी, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टी इज अगेन इन टी। मैंने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी फैमिली ले ली, मैंने क्या किया जी आई और आई बिलोंग टू कैपिटल लैम्डा, ये एक आर्बिट्रेरी मैंने फैमिली उठाई, और ये आर्बिट्रेरी जो ये फैमिली है ये टी के अंदर बिलोंग करती है, दैट मीन्स ये है इसके किसी भी मेंबर के पास एक्स नोट नहीं है। क्या कहेंगे, इसके किसी भी मेंबर के पास क्या नहीं है, एक्स नोट पॉइंट नहीं है। नहीं है तो कोई नहीं, जी वन पे भी नहीं होगा, जी टू पे भी नहीं होगा, जी थ्री पे, इन किसी पे भी अगर एक्स नोट पॉइंट नहीं है तो इनके यूनियन पे भी नहीं होगा, यूनियन पे नहीं है तो यूनियन कहां चला जाएगा, टी में। इसका मतलब तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई जो कि हमारी क्या थी, आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ यूनियन ऑफ टी इज अगेन इन टी। अब यूनियन की बजाय अब मुझे लेना फाइनाइट इंटरसेक्शन। क्या लेना है मुझे, अब फाइनाइट इंटरसेक्शन। फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे सो इजी, देखिए यहां फाइनाइट मेंबर जब मैं पिक करूंगा, एक्स नोट इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो वो चीज जाती है जो कॉमन होती है, और एक्स नोट यहां नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। मतलब फोर पॉइंट अब मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइव फाइनाइट मेंबर ऑफ टी इज अगेन इन टी। क्या मैंने क्या किया, जी वन जी दो मेंबरों से दिखा देता हूं, जी वन जी टू ये दो मेंबर ले लिए मैंने टी के, अगर ये दो मेंबर टी के है तो जो एक्स नोट पॉइंट है ये हमारा कहां नहीं है, किसके अंदर कंटेंट नहीं है, जी वन के, और एक्स नोट पॉइंट है ये हमारा कहां कंटेंट नहीं है, जी टू, ये जी वन में भी कंटेंट नहीं है और ये जी टू में भी कंटेंट नहीं है। अगर ये यहां नहीं है एक बात तो कंफर्म होगी, क्या कि ये जो एक्स नोट पॉइंट है ये हमारा कंटेंट नहीं कर सकता इनके इंटरसेक्शन में। क्यों? क्योंकि यह चीज इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन में कैसे चले जाएगी, और यह चीज जब इंटरसेक्शन में नहीं है तो ये मेंबर कहां चला जाएगा, टी में। और यही मुझे प्रूफ करके दिखाना था कि फाइनाइट मेंबर ऑफ टी इज अगेन इन टी। इसका मतलब एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी, क्या एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी जो होती है वो हमेशा एक टोपोलॉजी बनती है। इस अच्छा सामने वाला इसका इस ये देगा कैसे इस क्वेश्चन को, देखिए एक्स दे देगा आपको ए बी सी, ये दे दिया, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सक्लूड कर देगा, बाहर निकाल देगा। मैंने निकाल दिया मान लो बी को बाहर निकाल दिया, और एक टोपोलॉजी मैंने बना दी फाई ए सी ए सी, और फाई तो मैंने डाला ही नहीं, ये टोपोलॉजी है। इसमें क्या है, इसमें वो सभी सबसेट एक्स के जो बी पॉइंट को अपने अंदर कंटेंड नहीं करते। ओके, चाहता मैं क्या ले लेता, बी और सी को एक्सक्लूड कर देता, बी सी को करता तो क्या आता फाई ए बी बी और सी दोनों को एक साथ नहीं डाल सकता मैं। क्यों? क्योंकि अगर बी और सी को एक साथ डाल दिया तो उनका यूनियन इसी के अंदर आ जाएगा। ये ले लीजिए जैसे इसके लिए, ये है किस पॉइंट को बाहर निकाला गया है, बी पॉइंट को बाहर। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम, एक्स इसका नाम होता है एक्सक्लूड पॉइंट टोपोलॉजी। किसी पॉइंट को अगर आप एक्सक्लूड करते हो, बाहर निकालते हो, तो उसके बाद जो टोपोलॉजी बनेगी वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी है। अब आते हैं इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी, किसके ऊपर इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी, इंक्लूड मतलब अंदर रखना, मतलब क्या, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, टी कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड ऑल दोज सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन्स एक्स नोट ऑफ एक्स, जो किसी एक्स नोट पॉइंट को अपने अंदर कंटेंड करते हो। पहले वाला जो था वो एक्स नोट पॉइंट को अपने अंदर कंटेंड नहीं करते थे,
ये जो है एक्स नोट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता। सो इजी। आप कहोगे सर कैसे? मैं कहूंगा देखिए, समझने की कोशिश करते क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है एक्स के पास क्या है, सॉरी टी के पास, टी के पास आपका या तो एक्स है या फिर कोई पॉइंट है वाई, सच दैट कि एक्स नोट पॉइंट जो है वो कंटेन्ड है किस वाई में। इसके पास मेंबर ही दो टाइप के है, या तो वो खुद एक्स या फिर इसके पास है वाई। कौन सा वाई? जो एक्स नोट पॉइंट को अपने अंदर क्या करता हो, कंटेन्ड करता हो। अच्छा, इस इंक्लूडेड पॉइंट की बात बोल लेना तो दो साथ बोल, एक्सक्लूड में तो क्या बोला था, सिर्फ एक्स बोला था। जब इंक्लूड हो तो बोलना पड़ेगा कंसिस्ट ऑफ फाई एंड एक्स, ये दो चीज साथ में बोलनी पड़ेगी। क्या बोलना पड़ेगा आपको कि फाई एक्स और वो वाई जो एक्स नोट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन्ड करता हो। क्यों? क्योंकि फाई के पास तो आपका एक्स नोट पॉइंट नहीं होता, और फाई नहीं होगा तो वो टोपोलॉजी नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान रखना है जब हम इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी, तो हमारी मजबूरी है हमें फाई शब्द यूज करना होगा। मतलब इन्होंने दो बात तो आपको दे दी, फाई और एक्स, ये तो गिवन है ही, ये तो प्रूफ हो ही गया कि ये तो इन्होंने दे ही दिया कि जो फाई है और जो एक्स है ये आपका टी में है, ठीक है, और बाकी के वो पॉइंट है जो एक्स नोट को अपने अंदर कंटेन करते हैं। मैंने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी फैमिली ले ली, लेट जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग करता कैपिटल लैम्डा, बी आर्बिट्रेरी फैमिली, क्या है ये आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ मेंबर ऑफ टी। अगर ये आर्बिट्रेरी फैमिली है, एक बात तो कंफर्म है, जो जी लैम्डा वन है एक्स नोट इसके अंदर भी कंटेंट होगा, एक्स नोट जी लैम्डा टू इसके अंदर भी कंटेंट होगा, एक्स नोट जी लैम्डा थ्री इसके अंदर भी कंटेंट होगा, यानी एवरी जी लैम्डा वन जी लैम्डा टू एवरी मेंबर के अंदर कंटेंट होगा, और इनके अंदर अगर कंटेंट है तो इनके यूनियन में भी आएगा। इसके पास भी एक्स नोट है, इस पे भी एक्स नोट है, इनका यूनियन लैम्डा बिलोंग टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा, यहाँ भी क्या करेगा आपका एक्स नोट बिलोंग करेगा, और एक्स नोट अगर यहाँ बिलोंग कर गया तो ये मेंबर तो कहाँ जाना चाहिए, टी में। क्यों? क्योंकि टी के पास तो वही पॉइंट है जो एक्स नोट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता है, और इनके पास अगर एक्स नोट है तो इनके यूनियन पे जाएगा, यूनियन पे है तो ये यहाँ जाएगा। और तीसरा यही प्रूफ करना था, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टी इज अगेन इन टी, इसका मतलब ये कहाँ चला गया आपका, टी में। इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन भी क्या होगा, यहां अब फाइनाइट मेंबर दो ही मेंबर उठा लो, एक्स नोट इस पे भी है, एक्स नोट इस पे भी है, तो एक्स नोट इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, इंटरसेक्शन में जाएगा तो वो टी में जाएगा। इसका मतलब क्या कह देंगे हम, एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के टोपोलॉजी बनाओ, या इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी, वो हमारी टोपोलॉजी फॉर्म करते हैं। और दोनों इंपॉर्टेंट है, नेम के आधार पर पूछ ली जाती है ये, क्या नेम के आधार पर पूछ ली जाती है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट में हम कुछ और अच्छे देखते हैं।